माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम जो वाराणसी में होने जा रहा है उसमें 23 तारीख को लगभग सारे कार्यक्रम संपन्न होंगे और 3 अलग अलग जगहों पे उनका कार्यक्रम है। पहला कार्यक्रम जो स्वतंत्रता सभागार DHU में है उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम से जो प्रतियोगिताएँ वाराणसी में हुई थी उनके प्राइज देखी थी सर। उसमें काशी सांसद ज्ञान प्रतियोगिता, काशी सांसद फोटोग्राफी प्रतियोगिता और काशी सांसद संस्कृत प्रतियोगिता, उनमें जो भी पार्टिसिपेशन हुआ था, जो विनर्स थे वे सब हाल में रहेंगे, उन्हीं का ही वहाँ पे जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आयोजित किया जाएगा। इसी के साथ काशी स्मार्ट ट्रस्ट के द्वारा भी कई सामाजिक कार्य किए जा रहे हैं, उनमें छात्रवृत्ति का डिस्ट्रीब्यूशन, बुक्स का, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का और यूनिफॉर्म्स का वो संस्कृत के विद्यार्थियों को किया जाएगा। इसके उपरांत जो रविदास जी का कार्यक्रम है वहाँ पर रविदास जी की जन्मस्थली के वे मंदिर में अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। इसके उपरांत मूर्ति और विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण शिलान्यास जो उसी मंदिर के आसपास होना है वो 100 करोड़ के कार्यों का लोकार्पण शिलान्यास करेंगे। उसके बाद वहाँ पर जो श्रद्धालुओं की जनसभा है उसको संबोधित करेंगे। तीसरा जो कार्यक्रम है वो हमारा करक्याओ में एग्रो इंडस्ट्री पार्क से है जहाँ पर लगभग 14,000 करोड़ की परियोजनाओं के लोकार्पण शिलान्यास किए जाएंगे। वाराणसी के ही लगभग ये सारे प्रोजेक्ट हैं और यहाँ की जनता को उसका सीधा सीधा लाभ मिलेगा। वाराणसी से जुड़े हुए जो शहर हैं उनके जो नेशनल हाईवेज हैं बेसिकली उनकी लोकार्पण है। 4 बड़े हाईवेज हैं, एक का शिलान्यास भी है जो वाराणसी से कलकत्ता का सीधा एक्सप्रेसवे बनेगा, उसके फर्स्ट फेज का वहाँ पे शिलान्यास भी होगा। इसी के साथ जो बड़े आगे कार्य होने हैं जैसे एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी की स्थापना होनी है, एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना होनी है, एक भेल का बहुत बड़ा प्लांट लगना है, इन सभी इन्वेस्टमेंट के जो है वो आधारशिला रखेंगे। साथ ही जो प्रोजेक्ट पूरे हो गए हैं जिसमें सिगरा स्टेडियम का फेज वन है वो मुख्य रूप से है और इसी प्रकार के अन्य कार्य हैं वो सब लगभग कार्य जितने हमारे होते हैं उनका सारा लोकार्पण भी किया जाएगा। तो ये इलेक्शन से पहले का उनका लगभग अंतिम दौरा है, इसीलिए जो प्रशासन के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी भी तैयारी है उन सब का लोकार्पण शिलान्यास उनके कार्यक्रमों से कराया जा रहा है। करखियाओं के इंडस्ट्री पार्क में जो जनसभा होगी उसमें करीब 1 लाख लोग वहाँ पर रहेंगे, क्योंकि अमूल का प्लांट जो 2 साल पहले उन्होंने आधारशिला रखी थी अब वो प्लांट चालू हो रहा है। उनके जो दुग्ध सप्लायर्स हैं वो अलग अलग 6-7 डिस्ट्रिक्ट में 80-90 हज़ार दुग्ध सप्लायर्स अब तक वे इनरोल कर चुके हैं, रजिस्टर कर चुके हैं, जिनका दूध आधे से अधिक लोगों का आना प्रारंभ हो गया है, बाकी लोगों का इसी महीने प्रारंभ हो जाएगा। तो सीधा सीधा जो किसान हैं जिनकी इनकम को बेनिफिट पहुंच रहा है, जो आर्थिक रूप से सीधी सीधी पशुपालन के माध्यम से इनको मदद मिल रही है, करीब 80-90 हज़ार जो किसान वहाँ पर रहेंगे। साथ ही 10 से 20 हज़ार के आसपास के क्षेत्रों के जो लोग होते हैं वे भी माननीय प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए आएंगे। 1 लाख लोगों के हिसाब से जनसभा की तैयारी करवाई जा रही है। पिछली बार जो जनसभा हुई थी लगभग 50,000 लोग इसी स्थान पर आए थे, अब की बार उससे ज़्यादा लोग होने हैं, क्योंकि सीधा सीधा आर्थिक रूप से इन प्लांट्स का फ़ायदा उन लोगों को पहुंचेगा और अपने सामने उस प्लांट को उद्घाटन होते हुए देखेंगे तो कहीं ना कहीं पशुपालन की जो प्रवृत्ति है उसको बढ़ावा मिलेगा, साथ ही लोग ज़्यादा से ज़्यादा दूध इस प्लांट को सप्लाई करके अपने इनकम को बढ़ा सकते हैं। इसमें लगभग हमारे 33 प्रोजेक्ट हैं और उनमें 14,000 करोड़ रुपये शामिल होते हैं, इन्हीं के लोकार्पण की और शिलान्यास की तैयारी है। और जैसे मैंने बताया कि बड़े प्लांट या बड़ी बिल्डिंग्स या बड़े जो इंस्टीट्यूट बनने हैं वाराणसी में उनका फ़ायदा भविष्य में होगा। जो मुख्य रूप से कार्य हो चुके हैं जिनमें रोड्स के कई कार्य हैं और साथ ही हमारे अर्बन डेवलपमेंट के काम हैं, सिगरा स्पोर्ट्स स्टेडियम के काम हैं, या अलग एक कैटामैरान हमारी इलेक्ट्रिक व्हीकल की आई है उसकी लॉन्चिंग हो, इस प्रकार के जो कार्य जो पूरे हो गए हैं उनका हमारे यहाँ पर लोकार्पण भी किया जाए। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।